ज्यादा कार्बन स्टोर करने को लेकर लोग अब काफी जागरूक हो रहे हैं। कास्पर सिग्नर नोवो कार्वो के सीईओ हैं। कंपनी की योजना 2024 में पूरी तरह काम शुरू करने की है। अभी कंपनी अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज कर रही है। बायोचार के अलग अलग इस्तेमाल से जुड़े प्रयोग पिछले दशकों में शुरू हुए थे। अलग अलग तरह की भट्टियों के जरिए हजारों साल से हमने कई तरीकों से लकड़ी का कोयला बनाया है। इस पूरी प्रक्रिया में जरूरी है ऑक्सीजन को अलग रखना। अगर नहीं रख सके तो बायोमास जलता रहेगा, जलकर राख हो जाएगा और अंदर जमा बहुत सी कार्बन वायुमंडल में लौट आएगी। लेकिन हम ये नहीं होने देना चाहते। बायोमास और पायरोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए 80% कार्बन सोखी जा सकती है। इसलिए अब बायोचार को कार्बन डाइऑक्साइड जमा करने के बढ़िया तरीके के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। कार्बन को सोखने और कार्बन नेगेटिव उत्सर्जन के नाम पर इस दिशा में बढ़ना बायोमास के लिए एक भारी मांग पैदा करेगा। मक्के या गन्ने से बनने वाले बायो ईंधन को कभी ऊर्जा का इको फ्रेंडली स्रोत माना जाता था, लेकिन कई जानकार कहते हैं कि बायो ईंधनों को पैदा करने का तरीका नुकसान ही करेगा। आलोचक चिंता जताते हैं कि बायोचार के मामले में दोबारा वही गलती दोहराई जा सकती है। जंगलों को काटकर तेजी से उगने वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, उन्हें काटकर बायोचार में बदला जाएगा और इस प्रक्रिया में इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी नष्ट होगी। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय बड़ी मात्रा में बायोमास बेकार जा रहा है। हाल के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले भारत में हर साल 12 करोड़ टन भूसा और खेती का अन्य कचरा खुले गड्ढों में जला दिया जाता है। इससे देश भर में काफी वायु प्रदूषण भी फैलता है, जिसकी वजह से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस 12 करोड़ टन कचरे को बायोचार में बदलने का मतलब होगा 35 करोड़ टन CO2 का उत्सर्जन। ये भारत में ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन का 10-13% हिस्सा है। जलवायु संकट को कम करने में ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। CO2 उत्सर्जन के मामले में भारत इस समय दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बायोचार पैदा करने वाले किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या अतिरिक्त कमाई के लिए बेच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी अपने ग्रीन हाउसों को गर्म करने के लिए ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करती है और बायोचार का इस्तेमाल पौधे उगाने में करती है। आखिर ये निर्भर करता है कि हमें बायोमास कैसे मिलता है और हम उसका क्या करते हैं। अगर बायोमास सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया हो या उसके लिए जंगल साफ किए गए हों या कोयले की जगह उसका इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसा बायोमास इको फ्रेंडली नहीं रह जाता। मिट्टी की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में बायोचार का इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि बायोचार के इन गुणों पर अब भी रिसर्च हो रही है, क्योंकि बायोचार का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। 1 ग्राम हाई क्वालिटी के बायोचार का सरफेस एरिया एक बास्केटबॉल कोर्ट से ज्यादा हो सकता है। उसकी वजह से बायोचार में पौधों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी फंगी, बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवी बहुत अच्छे ढंग से पनपते हैं। इसके कुछ और भी हैरान कर देने वाले प्रभाव हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक बहुत ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। CO2 में 100 साल के दरमियान जितना वार्मिंग पोटेंशियल है, उससे करीब 280 गुना ज्यादा पोटेंशियल नाइट्रस ऑक्साइड में है। और नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादातर भारी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर से बनता है। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रेट बेस वाले अमोनियम फर्टिलाइजर को N2 में तोड़ देता है। N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन हम जमीन पर इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं कि सूक्ष्मजीवी उसे झेल नहीं पाते हैं और वो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। दुनिया में 75% नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन कृषि गतिविधियों से होता है। बहुत सी मेटा स्टडीज दिखाती हैं कि मिट्टी में फर्टिलाइजर के साथ बायोचार का इस्तेमाल करने से नाइट्रेट उत्सर्जन करीब 40% कम हो जाता है। लेकिन गाइजनहाम यूनिवर्सिटी में हमने जो अध्ययन किए, उनमें हमने 80% तक कटौती देखी है। जलवायु से जुड़ी बहुत सी समस्याओं से निपटने के लिए बायोचार कारगर है। मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर पैदावार बढ़ाने और वायुमंडल में CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड में कमी लाने तक बायोचार की खास भूमिका है।